आज मेरी गंगा से गंगा सागर यात्रा के 17 दिन हो गए। मेरी ये यात्रा आज से 17 दिन पहले उत्तराखंड के देवप्रयाग से शुरू हुई, जहां पहली बार गंगा को गंगा नाम मिलता है। अभी तक मेरे सफरनामे में मुझे बहुत से अच्छे लोग मिले हैं, जिन्होंने मेरी इस कठिन यात्रा को सरल बनाया। उचरते फागुन आ जाता है। अच्छा। फागुन तलक पूरा प्रोग्राम जितना पुल है सब बाकी रह जाता है, फगुगत आ जाए के उचरत। लगभग कितने लोग आ जाते होंगे यहाँ पे? कम से कम करोड़ डेढ़ करोड़ मने तो मान। गंगा माई क्योंकि हमारे बाल बच्चे देव माता मैं का कहा तो आपको पहली झालर आपके चरण में। अच्छा, तो उसमें सारे लोग ऐसे ही करते हैं? हाँ, जिसके बच्चे होते हैं तो आते हैं। जो मान पहला बच्चा नहीं, नहीं, पहला, नहीं, 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 नहीं पहला हो चाहे दूसरा। तन धोए मन तो गंदा पलट के फिर नानी बोले बात और बहता पानी। ये एक प्रकार का कल्पवास है। कल्पवास यहाँ पे सबसे पहले ये प्रतिष्ठान पूरी नगरी है झूसी। यहाँ पे राजा पुरुवा कभी रहा करते थे। हाँ। इनके राजा ईल हुए लड़के, इन्होंने तपस्या शुरू किया। अच्छा। फिर महाराज सम्राट हर्षवर्धन भी यहाँ आते थे। हाँ। इन लोगों ने जो है शुरू किया है मेला को, मेला का विस्तार बढ़ता ही गया। अच्छा। मान्यता तो ये है कि जो लोग यहाँ पे कल्पवास करने आते हैं। हाँ। अपने सम्राट हर्षवर्धन हुआ करते थे, ये जाते समय जो भी घर से सामान ले आते थे सब यही दान करके चले जाते। हिंदू धर्म में प्रयागराज को सबसे पवित्र प्रयाग माना गया है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्म वही लोग बैठाते जो उनकी भाषा, हम लोग नहीं बैठाते हैं। यहाँ पे लोग बहुत आते हैं। हाँ, बहुत सारे उनकी भाषा समझते हैं। तो जैसे अचानक बहुत ज्यादा लोग आ गए, 10-20 बस साथ में आ गए, ने हजार दो हजार आ गए, तो वो लोगों को बुलाते हैं, नाव वाले को बैठा, हम लोग बैठ जाते हैं, बैठा देते हैं। तो जैसे उनको यहाँ पे लगा दिया। हाँ। तो चार एक तरफ, चार एक तरफ, तो बोला चलो चैल पोपड़ मतलब चलो आ जाओ, चैल पोपड़ मतलब आ जाओ। अच्छा। तो वो एक तरफ बैठे रहेंगे, एक तरफ के सारे उठ जाएंगे। अच्छा। तीन धारा है, सरस्वती, यमुना जी और आई की गंगा जी मिल गई। अरे इसको उचरते उचरते फागुन आ जाता है। फागुन तलक पूरा प्रोग्राम जितना पुल है सब बाकी रह जाता है, फगुगत आ जाके। केवल हम वृंदावन घूमे हैं, मथुरा घूमे हैं, केदारनाथ घूमा है, बैजनाथ घूमा है। जो है अपना वस्त्र भी यहाँ पे दान कर देते थे पहनने वाला। अच्छा। हाँ, इनकी बहन कपड़ा लेकर आती थी तब ये पहन के जाते थे। अच्छा। ये यहाँ जैसे मुनि भगवान विष्णु ब्रह्मा शिव। अच्छा। ये सूर्य चंद्रमा सब यहाँ पे तपस्या कर चुके हैं। अच्छा। तीर्थों के राजा प्रयागराज। हाँ, वो तो ये सभी तीर्थों के राजा। हाँ। यही वो जगह है जहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आजाद जो है शहीद हुए थे, जिन्होंने खुद को गोली मार दी थी। ये कसम खाई थी कि वो कभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं आएंगे, ना उनकी गोली से मरेंगे। तो ये उनका प्रण था, पूरी तरह से घेर लिया गया इस पार्क को, और उन पे सिर्फ एक ही गोली बची थी, तो वो गोली पे ही चला दी और वो शहीद हो गए।
और जो कसम उन्होंने खाई थी कि वो कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, वो कसम उन्होंने पूरी की। तो ये एक ऐतिहासिक जगह है। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए,